नागपुर में वायुसेना के अनुरक्षण कमान मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर 19 नवंबर को वायुसेना के अनुरक्षण कमान मुख्यालय वायुसेना नगर में आयोजित एयर फेस्ट कई मायनों में खास व रोमांचकारी होगा। हर किसी को रोमांचित व रोंगटे खड़े कर देने वाले कर्तव्य देखने को मिलेंगे, साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत व वीरों की जाबाजी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसकी पहली झलक गुरुवार को देखने को मिली। मुख्य कार्यक्रम से पहले फेस्ट में हिस्सा लेने वाली टीमों ने प्रैक्टिस की। इसे देखने के लिए स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही एनसीसी के कैडेट्स और आम नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे। इससे पूर्व नागपुर में वर्ष 2019 में वायुसेना की ओर से नागपुर में एयर शो का आयोजन किया गया था। पिछले दो वर्ष कोविड संक्रमण की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 19 नवम्बर को इसका आयोजन किया जा रहा है। 18 नवम्बर को सभी टीमें फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। इस एयर फेस्ट 2022 में इसमें कई टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें प्रमुख आकर्षण सारंग हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, आकाश गंगा के वायुवीर होंगे। एयर फेस्ट में होने वाले कर्तव्य रोंगटे खड़े कर देने वाले रहेंगे। एनसीसी के कैडेट्स एरो मॉडलिंग शो करेंगे। वायुसेना के जवानों की ड्रिल व नंबर 5 एयरफोर्स बैंड को भी देखने व सुनने का मौका मिलेगा। आम नागरिकों को एयर फेस्ट के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही दावा के एंट्री पॉइंट से वह फेस्ट को देख सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। फेस्ट के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसकी यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल थी और फाइनल डे कल 19 तारीख को वायुसेना नगर में किया जाएगा। इस एयरफेस्ट में हमने दिखाने की कोशिश की है कि मैन और मशीन, चूँकि वायुसेना एक मशीन सेंट्रिक फौज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, तो मैन और मशीन का कितने अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन और कितने अच्छे से मशीन को कंट्रोल करके उसको अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले ग्लाइडर में देखा, किसी कैडेट्स ने एनसीसी के ग्लाइडर्स को अच्छे से कंट्रोल किया। उसके बाद एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने एक अपनी राइफल को, जो कि नॉर्मल लड़ाई के लिए होती है, उसमें बेनेट के साथ इतने अच्छे से कंट्रोल किया कि जैसे लग रहा था उनके हाथों में खिलौना है। तो वही मैन मशीन का कॉम्बिनेशन। फिर हमने पार हैंग ग्लाइडर देखा, फिर सारंग डिस्प्ले तो आपने देखा ही कि किस तरह से मशीन को लोगों ने, पायलट्स ने, हमारे सारंग के पायलट्स ने उसको कंट्रोल करते हुए इतना डिस्प्ले किया कि सब लोग यहाँ देखते रह गए। और उसके बाद शो स्टॉपर हमारा सूर्य किरण, जिसके बारे में तो कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे विश्व की टीम्स में वन ऑफ द बेस्ट टीम्स सूर्य किरण ने आज यहाँ डिस्प्ले किया। और विश्व की एक ही हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है जो कि भारतीय वायुसेना के पास है। तो ये पूरा हमारा एयर डिस्प्ले का पैकेज था। इसके बाद यहाँ पे ज़मीन पे हमने यहाँ पे जो वायुसेना में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसको रखा हुआ है, हेलीकॉप्टर डिस्प्ले से है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए थे, उनको देख सकते हैं कि कितने बच्चे उससे मोटिवेटेड हुए देख के। और कई बच्चों ने तो पहली बार जहाज़ को इतने पास से और इतने नीचे से देखा और उन्हें लगा कि वायुसेना क्या क्या कर सकती है। और ये हमारा एक छोटा सा सैंपल है कि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी कितनी है, एक हॉक जहाज की कैपेबिलिटी कितनी है, एक सारंग की कैपेबिलिटी कितनी है, जो कि हर रोल में यूज़ होता है, HADR के लिए, रेस्क्यू के लिए, पैसेंजर के लिए, और हमने देखा आज यहाँ डिस्प्ले के लिए भी यूज़ हुआ। सर, इस तरह की जो शो होता है आमतौर पर सब फाइटर प्लेन, इसमें हमारा हॉक जो है ये फाइटर प्लेन ही है, ये बॉम्बर की तरह यूज़ किया जाता है और ट्रेनर की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसमें फाइटर प्लेन एक हॉक ही था जो कि सूर्य किरण टीम का था। इसके अलावा एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट सपोर्ट रोल के लिए यूज़ किया जाता है, मैन एंड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सारंग हेलीकॉप्टर टीम, सारंग इज यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग HADR, पैसेंजर इक्विपमेंट एंड लैंडिंग इन डिफिकल्ट टेरेन्स ऑल्सो। इट इज़ इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट जो कि HAL ने बनाया है। चूँकि हमारे पास स्पेस की कंस्ट्रेन है और ये टेक्निकल एरिया से बहुत स्टेशन करते, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, जो NCC के कैडेट्स हैं वो ज़्यादा आएँ, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वहाँ, जिससे कि देख के उनको मोटिवेशन हो और इंस्पायर करें विश्व की सबसे अच्छी एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो हमने सारे कॉलेजों को इन्वाइट किया था, बच्चों को इन्वाइट किया था, फिर जो भी और छोटे बच्चे बड़े बच्चे, आपने देखा होगा कि पूरे एक पूरी लाइन सब बच्चे शोर मचा रहे थे और खुश हो रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और सभी बच्चे को पैम्फलेट देंगे, उनको बताएंगे। तो इस तरह से बच्चों में अवेयरनेस, बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ हु आर लुकिंग टू मेक अ कैरियर इन द इंडियन एयरफोर्स। तो टीम 1996 में फॉर्म हुई थी पहली बार, और किरण मार्क टू जहाज़ पे उड़ान भर रही थी 2011 तक। उसके बाद 2015 में रिजरेक्ट हुई हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट में, जो आज आपने आसमानों में देखा। इसके अलावा हमें 2019 में भी नागपुर एयरफेस्ट जब हुआ था हमने परफॉर्म किया, और हमें बड़ा अच्छा लगता है नागपुर आना क्योंकि कॉलेज क्राउड बहुत है। और टीम का एम जहाँ तक हम बात करें है यूथ को मोटिवेट करना, ताकि वो डिफेंस करियर को भी एक ऑप्शन लेके चले। तो
keeping that in mind, it is always very nice to see all the youth here, very excited to see us and cheering, clapping for us. So it's been a great experience for us. ये कई डिकेड से सूर्य किरण जी 26 साल की कैसे कैसे इसमें बदलाव आते गए और क्या क्या डिमांड आती गई इसमें तो जैसे कि कहते हैं हर चीज़ के लिए पहले एक छोटी शुरुआत करनी होती है. तो 1996 में जब टीम सबसे पहली बार बनी थी तो हमने 2 एयरक्राफ्ट प्रैक्टिस करी, फिर 4 एयरक्राफ्ट प्रैक्टिस करी, 6 एयरक्राफ्ट और 9 एयरक्राफ्ट. तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व में बहुत ही कम 9 एयरक्राफ्ट मिलिट्री एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है, जिसमें से भारतीय वायुसेना के पास एक है. जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, तो उसमें इस टीम का होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. पायलट को लेकर क्या होता है, वो इसमें इस टीम में शामिल होने के लिए कितना क्रेजी होते हैं या फिर ठीक है कि मिल गया मौका तो कर लेंगे? थोड़ा सा जो जितने हमारे पायलट्स हैं टीम में वो सारे फाइटर पायलट्स हैं, जो कि सेपरेट फ्लीट्स आए. जैसे कि हमारे जो CEO हैं ग्रुप कैप्टन GS ढिल्लो, वो मिराज से हैं. बाकी पायलट्स कुछ MiG-21 से है, कुछ सुखोई से है, कुछ जैगुआर से है. तो पहले इनकी ट्रेनिंग हॉक में होती है, ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद फिर लोग टीम में आते हैं और अपना टेन्योर पूरा करने के बाद जो कि 3-4 साल का होता है, उसके बाद अपनी फ्लीट पे वापस जाते हैं. तो ऑफ कोर्स जो फ्लाइंग हम कर रहे हैं, जो पायलट्स कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट काइंड की फ्लाइंग है एज कम्पेयर्ड टू व्हाट दे डू इन स्क्वाड्रन्स, बिकॉज स्क्वाड्रन्स में देर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइंग. बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स बोथ द फ्लाइंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ हैव देयर ओन चार्म. यूथ को हम मैसेज देना चाहेंगे कि देर इज दिस वेरी फेमस बिलबोर्ड ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो कहता है, थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट करियर ऑप्शन, लुक एट द एयरफोर्स एंड टेक द नेक्स्ट मिली सेकेंड टू डिसाइड. सो कीपिंग विद द सेम थॉट प्रोसेस, वी वुड लाइक टू से दैट इट्स अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी. सो प्लीज़ व्हेन यू आर थिंकिंग, लुक फॉरवर्ड टू लुकिंग एट दिस एज एन एवेन्यू एंड टू सर्व योर नेशन इन यूनिफॉर्म. एम योर नेम एंड योर पोस्ट? फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिधिमा, आई एम द कमेंटेटर एंड एडजुटेंट ऑफ द टीम. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और राजकुमार मुहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.